वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आला ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत मिल गई। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़रा आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, तजारत, कानून के वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अहमद फरहाद केस की 29 मई की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म। पैमरा की पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाजत। लापता अफराद के तमाम केसेस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब में मुकदमात की कुल तादाद 14 लाख के करीब है। एक जज के पास जो रेशो है 818 केसेस, और इतनी कम तादाद के बावजूद हमारी पंजाब की जुडिशरी जिस तरह अपने फराज सर अंजाम दे रही है, वो इसके लिए मुबारकबाद। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को ना रखे। हुकूमत समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। उन अफराद से होशियार रहे जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब, कहा, अर्श वाले का खौफ है, फर्श वाले से नहीं डरेंगे। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगले जहान में हमारा हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। ICJ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया, अक्वामे मुत्तहिदा गजा में नस्ल कुशी की तहकीकात करेगी। इसराइल तहकीकाती टीम की गजा तक रसाई को यकीनी बनाए। इसराइल इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। इसराइल 1 माह में फैसले से मुतालिक किए गए इकदाम की रिपोर्ट जमा करवाए। इसराइल की रिटाई बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। ICJ के फैसले के बाद इसराइल की जंगी काबीना का इजलास। इसराइली वजीर खजाना सिमटरेज का कहता है, जंगबंदी के किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मकसद इसराइल को सफाहसी से मिटाना है। उधर हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, कहा कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नाकाफी है। इसराइल की गजा भर में जारी बर्बरियत को रोकने के लिए अहकाम जारी किए जाएँ। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी बर्बरियत से मजीद 57 फलस्तीन शहीद और 93 जख्मी हो गए। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस के फिलाडेल्फिया में खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन के फलस्तीन के हक में नारेबाजी, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, कहा, फैसला मज़लूम इंसानों की फतह है। अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी फैसले पर फौरी अमल करवाए। दूसरी जानब अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का ट्वीट, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, रफा ऑपरेशन बंद करने, गजा में इमदाद की बहाली यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हालिया फैसले पर आयरिश हुकूमत के फैसले को सराहा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का तआवुन को मजबूत बनाने पर अज़्म का इजहार। दूसरे जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात, चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी शहरों का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलिन तरजीह, चीन हमारा अहम पार्टनर है, पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत। पार्टी सेक्रेटरी पर धावा, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीर को अदालत में दरख्वास्त देंगे, ऑफिस को बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी वजह के गिराया गया। CDA की तरफ से पार्टी सेक्रेटरी पर यलगार की गई।
अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब बोले, फरसूदा निजाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। चिबली फराज ने कहा, फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं, अब कुछ लम्हों की बात है। मुल्क छोड़ देंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं बनेंगे। मंसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में हमारी कुव्वत को तकसीम किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जबरी एडजस्टमेंट के साथ हुकूमत साजी की गई। जो जमात पाकिस्तान की खिदमत करे उसी को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। 2018 में भी सियासत में मुदाखलत के खिलाफ थे, अब भी हैं। हम कौम को जगा रहे हैं। 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी का नंबर पूरा करने के अलावा हुकूमत में कोई किरदार नहीं। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां, पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की वजीर इत्तला अजमा बुखारी का कहना है, जेल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इस पार्टी का एजेंडा है। जब मुल्क के खिलाफ साजिश हो तो एक ही पार्टी का नाम आता है। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी हैं। तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुजाकरात खत्म होने पर मिशन चीफ का बयान। नेथन पॉर्टर ने कहा, पाकिस्तान के साथ 13 मई से 23 मई तक बात की। मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुजाकरात किए। सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी इदारों की निष्कारी पर भी तफसीली बातचीत। पाकिस्तान के साथ पॉलिसी सतह के मुजाकरात जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। कम अज कम महाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती मनसूबों के लिए 320 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 232 अरब, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए। अमन अमान की बेहतरी के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना आफ्ताब आलम आफरीदी की बजट तकरीर। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। G20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, हारिस रऊफ शामिल, उस्मान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद, उस्मान खान, साइम अयूब, अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमरीका के खिलाफ खेलेगी।